राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात सिल्ली में गुंज महोत्सव झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा आज इसका विधिवत दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस दौरान गुंज के संरक्षक सुदेश महतो, गिरडी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, गोमिया विधायक लंबोदर महतो, रामगढ़ के विधायक सुनीता चौधरी, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस, पूर्व मंत्री उमाकांत रजक और हजारों हजार की संख्या में लोग मौजूद रहे। सर्वप्रथम महामहिम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सिल्ली स्टेडियम परिसर में स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गूंज की शुरुआत की। प्रथम दिन महिलाओं को समर्पित गूंज महोत्सव में महामहिम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के कर कमलों से महिला समूहों, सखी मंडल की दीदियों और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल विजेता खिलाड़ियों को और पद्मश्री से सम्मानित विभूतियों को झारखंडी संस्कृति से रचे बचे बसे गमछा और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इससे पूर्व 5006 नृत्य कलाकारों द्वारा और हजारों की संख्या में स्कूली छात्राओं के द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई। मौके पर पारंपरिक रीति रिवाज के साथ ढोल नगाड़े की थाप में राज्यपाल का भव्य स्वागत किया गया। We all know that our tradition, our heritage, our culture is one of the best in the world. हम सभी जानते हैं कि हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज और हमारी संस्कृति पूरे विश्व भर में सबसे खूबसूरत है, सबसे सुंदर है। That is the reason I am very proud to be with you on this evening for this Gunj Mahotsav function in Sili. और इसी सांस्कृतिक विभिन्नता को लिए हुए इस गूंज महोत्सव में आपके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। It fills my heart with joy to witness the great chow dance and also the performance of our great students. And my enthusiasm is reaching a new high in my heart. आज इस आयोजन में हमारी चौ डांसर्स की चौ नृत्य की प्रस्तुति के साथ ही हमारी बच्चियों की प्रस्तुति ने मुझे बहुत आनंद विभोर किया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन अब हमारी तैयारी आने वाले 5 साल के बाद 4-5 साल के बीच में ये अंतर आपको दिखाई देगा। इस गांव में साधारण परिवार से आने वाली वो चाहे किसी भी तरह का प्रतियोगिता परीक्षा हो उसमें सिली सुना तो रहे का नाम जरूर चिन्हित होगा। ये तैयारी हमने प्रारंभ कर दिया है। मैं मुख्यमंत्री को ये बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय खेल अंतर्राष्ट्रीय खेल वो अलग अलग खेलों में जो स्पर्धा अभी गोवा में हुआ उसमें राज्य ने 26 मेडल लाए हैं पूरे प्रदेश से। इसमें अकेला मेरे 4 ब्लॉक के 4 मेडल ही पद लेके आए हैं। ये गाँव के बच्चों ने ये करके दिखाया है जिनको आपके हाथ से भी सम्मान पाना। हमने जहाँ भी शुरुआत की, हमने जहाँ कोशिश की वहाँ रंग आया है और ये कोशिश सभी को करनी है क्योंकि हम सभी इसके लिए बने हैं। हमें उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मैं कभी भी राजनीति में दलों की बाधाओं से अलग हटकर मैं सेवा को ज्यादा तजुर्ब देता हूँ, महत्व देता हूँ। और मुझे लगता है इस काम में तो संघर्ष है, इस काम में तो थोड़ा मेहनत है लेकिन परिणाम का स्वाद बहुत बड़ा होता है। या गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट के बीच में जहां सीधे तौर पर सेवा ना पहुंच पाती हो ऐसे विकास के मानक को चुनकर उसे पूरा करने का दायित्व एक गुंज परिवार उठाता है। और इसी कड़ी में मानवीय रूप से लोगों को सेवा देने के जितने भी मानक तैयार है हमारी कोशिश उस परिवार की रहती है कि हम वहां तक पहुंचे और लोगों के जीवन में अंतर पैदा कर पाए। इस गुंज का मूल मकसद हमारा होता है। ये गूंज लगातार अपनी कोशिशों में आगे बढ़ रहा है तभी तो हम विकास के कई पैमानों पर आज राज्य में अग्रणी स्थान पाते हैं। हमारी तैयारी होती है कि छोटे छोटे प्रतिभाओं को तैयार करने की हमारी कोशिश होती है, उन्हें उड़ान देने की हमारी कोशिश होती है, हर असहाय के बीच में जाकर उनके जीवन को स्वस्थ कराने की। मैं आदरणीय राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी को अपने बीच पाकर पूरे सिल्ली की ओर से कि ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच आकर हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए
यहाँ पर आए हैं, हमारी कोशिशों को बल देने के लिए आए हैं। इनकी पृष्ठभूमि भी समाज के बीच में पार्लियामेंट मेंबर के रूप में दो बार तमिलनाडु से आते हैं, वो प्रदेश जिसके भारत को औद्योगिक क्रांति या फिर डेवलपमेंट के मानक पर स्थापित करने की कोशिश प्रारंभ की। आज के दिन में वो ऐसा उदाहरण है, क्योंकि इनको सामने पाया तो मैं कह रहा हूं ट्रेडिशनल रूप से सांस्कृतिक रूप से अपने आप को यथावत बनाए रखते हुए विकास के पैमाने पर श्रेष्ठ कैसे बना जाता है, उसका उदाहरण उस प्रदेश से है और उस प्रदेश से हमारे अतिथि आते हैं। आइए, झारखंड भी लगातार अलग अलग दृष्टि से ही कोशिश कर रहा है। जो भी कोलाहल मचा हुआ है उसका मूल कारण कहीं ना कहीं अपनी विरासत को सुरक्षित रखना, अपनी भाषा संस्कृति को सुरक्षित रखना और इसी को आधार मान के विकास के 21वीं सदी के दौर में खुद को शामिल करने की तैयारी चल रही है। कभी कभी हम विषयों को समझ न पाने के कारण, उनके महत्व को न समझने के कारण कभी कभी हम रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम सब जो भी लोग इस सर्विस में है, जो भी लोग समाज सेवा में है, ऐसे लीडर के रूप में है, उनका मौलिक दायित्व आम लोग है और हमारी तैयारी और हर राजनीति का लक्ष्य आम गरीब लोग होना चाहिए और भारत की तरक्की में अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए।